आपको याद होगा कि जब भी बल के कारण किसी भी वस्तु में विचलन होता है तब हम कहते हैं कि कार्य हुआ है। कल्पना करें कि भौतिक शास्त्र की अध्यापिका कक्षा में अपने विद्यार्थियों के सामने कोई हलचल किए बिना निश्चल खड़ी है। वो किसी भी प्रकार के बल का उपयोग नहीं कर रही है जिसके कारण उनके शरीर से बाहर विचलन नहीं हो रहा है, अर्थात वो कोई भी कार्य नहीं कर रही है। अगर वो इसी प्रकार लंबे समय तक स्थिर रही तो उनकी ऊर्जा अवश्य खत्म होती जाएगी। वास्तव में हमारे भौतिक शास्त्र के अध्यापिका या कोई भी अन्य व्यक्ति खड़े होते हुए भी कुछ न कुछ कार्य करता रहता है, पर उस कार्य को हम आसानी से नहीं देख पाते हैं। हमारे शरीर के अंदर भी कार्य शुरू ही रहता है, जैसे हृदय रक्ताभिसरण करता रहता है, पाचन संस्था हमारे द्वारा खाए नाश्ते को पचाने का कार्य करती है, रिसेप्टर अर्थात संग्रहक परमाणुओं को कोशिका के झिल्ली के आर पार भेजने का काम करता रहता है, हम सोते समय भी काम करते रहते हैं। बल के कारण होने वाले विस्थापन हमारी त्वचा के नीचे शरीर के हर भाग में होते रहते हैं। हमारा शरीर एक बहुत ही कार्यरत जगह कही जाती है। जब कोई प्रणाली संपूर्ण रूप से एक होकर अपने परिवेश पर बल का प्रयोग करती है और उसके कारण कुछ विस्थापन होता है, इस कार्य को बाह्य कार्य कहते हैं। भौतिक शास्त्र की अध्यापिका जब कागजों को टेबल से परे ढकेलती है तब हम कहते हैं कि वो बाह्य कार्य कर रही है। यहां भौतिक शास्त्र की अध्यापिका किसी प्रकार का महत्वपूर्ण बाह्य कार्य नहीं कर रही है। किसी प्रणाली का कोई एक हिस्सा उसी प्रणाली के दूसरे हिस्से पर बल का प्रयोग करता है और उसके कारण कुछ विस्थापन होता है। इस प्रकार के कार्य को अंतर्गत कार्य कहते हैं। मशीनों के मामले में जब हम कहते हैं कि कार्य हुआ, उसका अर्थ हमेशा बाह्य कार्य होता है। अध्यापिका के उदाहरण में जब वह हाथ में किताब लिए हुए है तब एक प्रणाली दूसरी प्रणाली पर बल का प्रयोग कर रही है। अतः जब बल के फलस्वरूप विस्थापन होता है तब हम कहते हैं कि अंतर्गत कार्य हुआ है। अध्यापिका द्वारा अगर किताब सिर्फ पकड़ी हुई है पर वे गतिशील नहीं है तो इसका अर्थ होता है कि किताब पर किसी भी प्रकार का कार्य नहीं हो रहा है। अब हम अध्यापिका के स्थान पर टेबल को लेंगे। टेबल क्या कार्य कर रहा है? कोई भी कहीं नहीं जा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा है मतलब कार्य भी नहीं। यदि अध्यापिका किताब को ढकेलती है तब वह किताब हिलती है, एक बल जिसके परिणाम स्वरूप विचलन हुआ है, कार्य हुआ है। रोजमर्रा के जीवन में हमारे लिए कार्य का यही अर्थ होता है। यदि हम किताब को क्षैतिज दिशा में समान वेग से लेकर जाएंगे तब उस पर कोई कार्य नहीं होता है। इस मामले में क्षैतिज विस्थापन लंब रूप में लगाए हुए बल की दिशा में नहीं है, कार्य हुआ है। यह हम तभी कह सकते हैं जब बल या उस बल के किसी घटक के कारण विस्थापन हुआ होता है। जब किताब को क्षैतिज दिशा में समान वेग से हिलाया गया तब बल का कोई भी घटक गति की दिशा में कार्यरत नहीं था। बल और विस्थापन दो अलग अलग बातें हैं। इस प्रकार हाथ के द्वारा किताब पर किसी प्रकार का कार्य नहीं हुआ है। किताब को उठाना कार्य है। किताब को उठाते समय उसकी ऊर्जा बढ़ती है। अध्यापिका अब किताब में संग्रहित ऊर्जा के उपयोग से अन्य कार्य भी पूर्ण कर सकती है, जैसे वो उससे चीजों को पीस सकती है, सुपारी या बादाम जैसी चीजों को तोड़ा जा सकता है, या लकड़ी में कील भी लगा सकती है। यह कार्य करते समय वह उस किताब को नीचे की दिशा में करती है जिससे किताब की ऊर्जा कम हो जाती है, और इसी कारण टेबल पर रखने के बाद किताब अब अन्य किसी प्रकार का कार्य नहीं कर सकती। जब अध्यापिका किताब को किसी विशिष्ट कोण में या लंब रूप से नीचे की दिशा में करती है तब हम उसे ऋणात्मक कार्य कहते हैं। इस बात को संख्यात्मक तरीके में हम इस प्रकार कहेंगे, किताब को उठाकर जो धनात्मक कार्य हुआ था वह किताब को नीचे करने के बाद ऋणात्मक कार्य हो गया, जिसके कारण अगर हम किताब द्वारा किए गए कुल कार्य की बात करें तो वह शून्य होगा। बल के घटक, इस मॉडल में हम देख सकते हैं कि एक ब्लॉक अर्थात खंड को एक विशिष्ट कोण में खींचा गया है जिसे हम टी इस अक्षर से दर्शाए हैं। चूंकि खंड को एक विशिष्ट कोण में खींचा गया है इस कारण जो बल लगाया गया उसके दो घटक बन गए, एक विस्थापन की दिशा में
जिसे TX कहा गया है, और दूसरा विस्थापन की दिशा से लंबत्व है जिसे हमने TY कहा है। जैसे जैसे हमारे खींचने के कारण कोण में परिवर्तन आता है, वैसे वैसे TX और TY इन दोनों घटकों के मूल्यों में किस प्रकार का परिवर्तन आता है, इस बात का निरीक्षण करें। इन मूल्यों को बाणों की लंबाई द्वारा दर्शाया गया है। जब कोण शून्य है तब TX अधिकतमक होता है और वह T के समान होता है, और जब कोण 90 अंश का होता है तब TY अधिकतमक होता है और वह T के समान होता है। हमने पहले भी कहा है कि कार्य तभी होता है जब बल द्वारा विस्थापन होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है बल के घटकों का विस्थापन के साथ समांतर होना। कार्य बल और विस्थापन के साथ समानुपाती होता है। दिशा के लिए कोसाइन का इस्तेमाल किया जाता है। जब कोण शून्य होता है तब कोसाइन अधिक होता है। दो सदिश जो एक ही दिशा की ओर निर्देश करते हैं उनमें शून्य कोण होता है। 90 अंश पर कोसाइन शून्य होता है। जब बल विस्थापन के लंबत्व में होता है तब हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार का कार्य नहीं हुआ है। कार्य को परिभाषित करने के लिए चलिए यह समीकरण देखते हैं। W इज इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। कार्य बराबर बल गुण विस्थापन गुण कॉस थीटा, जहां पर W का अर्थ है संपन्न कार्य, F का अर्थ है लगाया हुआ बल, S का अर्थ है बल जनित विस्थापन, कॉस थीटा का अर्थ है बल और विस्थापन का कोण। इस समीकरण में यह माना गया है कि बल हमेशा विस्थापन की अपेक्षा परिणाम और दिशा इन दोनों में स्थिर रहता है। कार्य की SI इकाई जूल है। एक जूल कितना होता है? जब एक न्यूटन बल का उपयोग कर कोई वस्तु एक मीटर तक हिलती है तब उसके उपयोग में लगाई हुई ऊर्जा को हम जूल कहते हैं। इस किताब का वजन 100 ग्राम है। इसका अर्थ है किताब द्वारा टेबल पर एक न्यूटन बल का इस्तेमाल हो रहा है। अलमारी की ऊंचाई टेबल की ऊंचाई से एक मीटर ज्यादा है। जब हम किताब को अलमारी में रखते हैं तब किताब को उठाने की क्रिया के लिए हमें एक जूल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सारांश, हमने बाह्य और आंतरिक कार्य के बारे में बात की। साथ में हमने यह भी जाना कि कार्य की परिभाषा करते समय बल और विस्थापन भी महत्वपूर्ण है। चुनौती स्वीकार करें। जब हम 10 किलोग्राम को एक मीटर तक उठाते हैं और एक टन को एक सेंटीमीटर तक, तब क्या हम कह सकते हैं कि इन दोनों घटनाओं में समान कार्य हुआ है?